आरती सिंह को भी अपनी पहचान बनाने के लिए करनी पड़ी थी इतनी मशक्कत। आरती सिंह के जीवन में भी कुछ कम बाधाएं नहीं आई उनकी पहचान बनाने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री में होने के बावजूद लोग उन्हें उनके नाम से नहीं जानते थे। जी हाँ दोस्तों, आरती सिंह जो कि एक टीवी स्टार हैं, कई सारे टीवी शोज में ये काम कर चुकी हैं, जिनमें से की वारिस, उत्तरन और उड़ान जैसे टीवी शोज में नजर आने के बाद भी आरती सिंह की एक पहचान नहीं बन पाई थी। लेकिन आरती सिंह ने फाइनली अपनी पहचान हासिल की बिग बॉस सीजन 13 के घर में। जी हाँ दोस्तों, आरती सिंह भले ही टीवी शोज में काम किया करती थी, लेकिन बावजूद इसके लोग इन्हें कॉमेडी स्टार कृष्णा अभिषेक की बहन के नाम से ही जाना करते थे। और आरती सिंह जब बिग बॉस के घर में आने से पहले की इंटरव्यू के दौरान बताती हैं, तो पता ये चलता है कि आरती सिंह को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी कि लोग उनकी पहचान होने के बावजूद भी उन्हें उनके भाई की पहचान के नाम से जानते हैं। और बस इसीलिए आरती सिंह ने ये ठान लिया था कि उन्हें अपनी अलग पहचान बनानी है। और इसके बाद वो नजर आए बिग बॉस सीजन 13 के सीजन में, और यहां से आरती सिंह को लोग उनके ही नाम से जानने लगे, क्योंकि यहाँ आरती ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कई सारे खुलासे भी किए थे। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ लिंकअप की खबरों को लेकर भी आरती सिंह सभी की जुबान पे थी। हालांकि आपको बता दें कि आरती सिंह अपनी शादी के सपने को अब पूरा कर चुकी हैं, जो कि दीपक चौहान एक बिजनेसमैन है, उनके साथ उनकी शादी हो चुकी है। और ऐसे में आरती सिंह ने जो अपनी पहचान बनाई उसको लेकर आपके क्या कहने हैं कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।